क्या क्रिकेट के इस रूल से अनजान थे हैदराबाद के कीपर, जो कर दी ये गलती। आईपीएल 10 के 44वें मैच में शनिवार को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। इस मैच में पुणे की इनिंग के दौरान एक मौके पर हैदराबाद के विकेटकीपर की गलती से उस वक्त बेन स्टोक्स आउट होने से बच गए। क्या इस रूल से अनजान था विकेटकीपर? ये मामला पुणे की इनिंग के दौरान 14.2 ओवर का है, जब राशिद की बॉल पर नमन ओझा ने विकेट के पीछे बॉल को कैच करते हुए बेन स्टोक्स के आउट होने की जोरदार अपील की। हालांकि इसके बाद भी एक रूल की वजह से अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। दरअसल कैच लेने के दौरान बॉल नमन ओझा के हाथ में आने से पहले उनके हेलमेट की ग्रिल से टकरा गई थी और क्रिकेट रूल के मुताबिक बॉल विकेटकीपर के हाथ में जाने से पहले हेलमेट की ग्रिल से नहीं टकरानी चाहिए। इसी वजह से स्टोक्स आउट होने से बच गए। क्या नमन ओझा नहीं जानते थे ये रूल? विकेट कीपिंग कर रहे नमन ओझा ने बेन स्टोक्स बॉल को फंबल करते हुए कैच तो कर लिया, लेकिन शायद उन्हें ये रूल पता नहीं था। इसी वजह से उन्होंने स्टोक्स के आउट होने की अपील की, जबकि उस वक्त उनके पास उन्हें स्टंपिंग करने का चांस भी था, जिसे उन्होंने मिस कर दिया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।